हेलो एवरीवन, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया है और सब लोग उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्रिसमस के दिन भगवान यीशु क्रिस्ट की प्रार्थना की जाती है। साथ ही साथ एक और चीज है जो हमें क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आए हैं। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर सेंटा क्लॉज है क्या, कौन है सेंटा क्लॉज। तो चलिए जानते हैं आखिर सेंटा क्लॉज है कौन। चलिए देखते हैं सेंटा क्लॉज का असली नाम और असली पहचान क्या है। क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो यदि कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन के बीच एक नया इतिहास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज की। जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल है। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफेद रंग के होते हैं, और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वह एक बहुत बड़ा बैग लाता है जिसमें ढेरों गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। सेंटा क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता था। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वह उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। वो एक साधु तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी, और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से जाना जाता था। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता था। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हें आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब है और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ है, उनको वे मदद किया करते थे। वे सदैव जरूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। संत निकोलस के जीवन की कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात माला माल कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थी। वह व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वह उनकी शादी कैसे कर पाता, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वह अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, लेकिन
बहुत मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही यह बात संत निकोलस को पता चली, तो उन्होंने आधी रात में लड़कियों के घर जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटका कर आते हैं कि सुबह उनमें उन्हें एक मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सेंटा आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से चली आ रही है। सेंटा के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है निकोलस ये व्यक्ति जो सेंटा क्लॉस बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसस और मदर मैरी के बाद सबसे ज्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। निकोलस की दरियादिली देखने के बाद सन 1200 से ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संत निकोलस की मृत्यु हो गई थी। 1773 में पहली बार अमेरिका शहर में सेंटा क्लॉस के रूप में एक व्यक्ति मीडिया से रूबरू हुआ था और उसने खुद को सेंटा क्लॉस बताया था। उसके बाद सन 1930 में सेंटा का अस्तित्व सब लोगों के सामने आया और सेंट बलोम नामक एक कलाकार ने सेंटा के रूप में कोका कोला की एड 35 वर्षों तक की। उसने लाल सफेद कपड़ों में आकर कोका कोला की एड की थी और सेंटा का ये नया अवतार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसे आज तक स्वीकार किया जाता है और उसी रूप में सेंटा को याद किया जाता है। लेकिन असली सेंटा मतलब निकोलस को आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही उसकी किसी ने पहचान की थी। इसलिए सेंटा के इस नए रूप को ही देखकर सब सेंटा के होने का अनुमान लगा लेते हैं और खुश होकर नाच कूद लेते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज सेंटा सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आज भी कुछ किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे बौने लोगों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, जहां पर उनकी एक बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री है। हर साल वहां बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉस के इतने ज्यादा दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन खत लिखकर भेजते हैं और बहुत सारे पते ऐसे हैं जहां पर सेंटा के नाम से खत भेजे भी जाते हैं, जिनमें सबसे मुख्य पता फिनलैंड का रहता है। दुनिया भर से फिनलैंड के पते पर बहुत सारे खत पहुंचते हैं जो सेंटा के नाम पर ही होते हैं और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश भी पूरी होती है या फिर क्षमता द्वारा पूरी की जाती है। सेंटा क्लॉस के नाम पर तो कई सारी मेल आईडी भी बनी हुई है जिस पर लाखों करोड़ों मेल हर साल पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सेंटा क्लॉस की कहानी। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।